So, hello there. Today is 20th of October and here's the strategy video, finally, yes. Jo log ghar se padhai kar rahe, whoever is studying from home, only they have the liberty to design their whole day, right? So, this video is for them. Agar aap coaching kar rahe hai, to unka proper strategy hota hai, ek plan hota hai, stick to it, follow theirs, theek hai? एंड ऑल्सो लाइक अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो बट यू हैव योर ओन प्लानिंग थॉट टाइम टेबल बना के रखे है तो भी बीच में से कुछ चेंज मत करो स्टिक टू योर ओन थॉट्स योर ओन प्लान्स ठीक है बट हुएवर इज लॉस्ट इफ यू आर लॉस्ट बेबी गर्ल लॉस्ट बेबी बॉय देन यू हैव मी वेल सो टुडे इज 20th ऑफ अक्टूबर व्हेन आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो एंड कल से स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है सो 21st October टिल 23 दैट इज 21st, 22nd, 23 यू हैव 3 days एंड 3 दिन में आपको क्या करना है तो सबसे पहले दिन की शुरुआत में हम क्या करेंगे सो वन डे यू आर गोना डिवाइडेड इनटू 3 sections ठीक है 3 मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन एंड योर इवनिंग सेशन तो मॉर्निंग का सेशन जो है ना ओए जस्ट अ मोमेंट मॉर्निंग का सेशन जो है दैट विल बी फ्रॉम 8 टिल 12 ओके देन योर आफ्टरनून सेशन इज फ्रॉम 8 to 2 till 8 एंड योर इवनिंग सेशन इज फ्रॉम 9 to 12 सो यू अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू टाइम ऑल्सो 12 to 2 आपके पास टाइम है देन 8 to 9 यू हैव टाइम सो स्पेयर टाइम है और जितना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो यू आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द स्टडी ऐसे भी तो कुछ होता नहीं है तो एटलीस्ट गिव अराउंड जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो उसमें से The focused amount of time period is very less. So that's why जितना हो सकता उतना आपको देना ही पड़ेगा So you know, just waking up and studying the whole day is what ideally you should be doing at this moment. तो ये sessions है and 21st को in the morning session what you can do is you can do anesthesia and psychiatry. I suggest anesthesia and psychiatry हमेशा मैं एक साथ करती थी और it is very small subject तो बहुत जल्दी से हो भी जाता था So anesthesia psychiatry आप कर सकते हो it used to take like 2.5 hours, 3 hours at the max you know for revising the whole subject का theory and then on 22nd you can do radio है ना एंड ऑन 23rd यू कैन डू ऑर्थो आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग सेशन है ना फिर आफ्टरनून में क्या करना है 21, 22, 23 तीनों दिन आफ्टरनून दैट इज़ योर 2 till 8 यू नीड टू डू ऑब्सगाइनी का थेरी 3 दिन में हो जाएगा ऑब्सगाइनी का पूरा थेरी एंड देन द इवनिंग पार्ट दैट इज 9 to 12 व्हाट यू कैन डू एवरी डे मतलब 21, 22, 23 को आप ऑब्सगाइनी के MCQ सॉल्व करो MCQ PYQ है ना So yeah, that is 9 to 12, that means 10, 11, 12, 3 days, 3 hours, 3 into 3 is 9, so 9 hours, मैं जितने MCQ, जितने PYQ आपको आपसे सॉल्व हो सकते हैं उतने कर लो है ना ओके देन ऑन 24th, what you are going to do is solve question bank PYQ of your anesthesia, psychiatry, radio, ortho. That means you have so much of time. Morning session, evening, afternoon session, evening session, पूरा लेके बैठो दो दो घंटे पर सब्जेक्ट को दे दो और काम खत्म करो है ना तो 24th तक आपका ओवरऑल रीड के कौन से सब्जेक्ट का हो गया रहेगा दैट इज योर एनेस्थेसिया साइकियाट्री रेडियो ऑर्थो एंड ऑब्सगाइनी देन ऑन 25th आई सजेस्ट गिव GT प्लीज गिव GT एंड देन ऑल्सो ऑन द सेम डे डू एनालिसिस एंड देन आपके पास बचा खुचा जितना भी टाइम है रिलैक्स स्लीप ओनली सजेशन इज डोंट वॉच मूवीज डोंट वॉच सीरीज डोंट स्क्रोल इंस्टाग्राम एंड डोंट गो वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स है ना ठीक है बस इतना वॉट यू कैन डू इज लिसन टू म्यूजिक डू एक्सरसाइज टॉक टू योर फैमिली टॉक टू योर फ्रेंड्स मे बी गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट अच्छा खाना खा लो वगैरह लेकिन सीरीज मूवी ये सब मत करो ठीक है Then 26 to 30, that is 26, 27, 28, 29, 30, that is 5 days, है ना 5 days क्या करना है फिर से वही मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग सेशन ये मैं ऐसे करती थी एंड इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज इफ़ यू टेक वन सब्जेक्ट एंड यू आर जस्ट स्टडिंग दैट वन सब्जेक्ट इट गेट्स अ बिट बोरिंग एंड इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता सो इफ़ यू डिवाइड योर डे इन टू सेशंस द बेनिफिट इज आप बोर नहीं होंगे और आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि आपने बहुत कुछ किया है सो या आई मीन दैट रियली कीप्स योर माइंड ऑन ट्रैक ट्राई इट मे बी यू लाइक इट 26 मॉर्निंग व्हाट आर यू गोना डू यू आर गोना डू पीडिया एंड देन आफ्टरनून सेशन यू आर गोना डू PYQs ऑफ पीडिया है ना इवनिंग सेशन में आप
नहीं सॉरी, सो 26 व्हाट आर यू गोना डू, यू आर गोना डू पीडिया एंड आफ्टरनून में पीवाईक्यू करने हैं किसके, तो पीवाईक्यू करने हैं आपको सर्जरी के, ठीक है, देन इवनिंग सेशन में पीडिया के पीवाईक्यू कर लो, है ना, समझा। तो मैंने पीडिया किया कुछ घंटे, देन ब्रेक दिया, पीडिया को कंटिन्यू नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑफ सर्जरी एंड देन अगेन इवनिंग के टाइम यू कैन डू पीवाईक्यूज ऑफ योर पीडिया। देन 27th को सेम है, पीडियाट्रिक्स मॉर्निंग में कर लो, ख़त्म हो जाएगा, दो दिन दिए हैं, काफ़ी है, दो दिन मतलब यू नो मॉर्निंग सेशंस दिए हैं लेकिन काफ़ी है, एंड देन इन आफ्टरनून सेशन पीवाईक्यू कर लो सर्जरी के, सर्जरी के बहुत सारे काफ़ी पीवाईक्यूज है, काफ़ी पीवाईटीज है, राइट, सो या डू योर पीवाईक्यूज ऑफ सर्जरी इन द आफ्टरनून एंड देन इवनिंग सेशन में पीडियाट्रिक्स का एमसीक्यू, समझा क्या। 26, 27 वी आर डन एंड देन ऑन 28 व्हाट आर यू गोना डू, इन द मॉर्निंग सेशन स्टार्ट विद एनेट, देन इन आफ्टरनून सेशन सर्जरी का थियरी पार्ट, है ना। सो 28, 29, 30 आफ्टरनून वाले सेशन में सर्जरी करना है, 28, 29, 30 एंड तीन दिन के कितने घंटे होते हैं वो, सो 3, 4, 5, 6, 7, 8 दैट इज 6 × 3, है ना, 18 hours, आई थिंक दैट्स इनफ, राइट, फॉर सर्जरी 18 hours इज इनफ, और वो भी आपको रिवाइज करना है। सो इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में आपको एनएट के पीवाईक्यू करने हैं, देन अगेन एनएट के पीवाईक्यू एंड देन 30 को ना आप मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन में ऑर्थो ऐड कर दो। यू नो व्हाई, बिकॉज सर्जरी एंड ऑर्थो इज अ लिटिल बिट ऑफ मतलब कुछ तो कनेक्शन है, सर्जरी ऑर्थो रेडियो इन सबसे कुछ तो भी कनेक्शन मतलब फील होता है मुझे तो, या सो या हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर यू कवरिंग इन दीज 5 days, 26 to 30, यू आर कवरिंग योर पीडियाट्रिक्स, एनाटॉमी, ऑर्थो एंड योर सर्जरी, है ना, ओवरलुक करना है इन दिनों, आपको ओवरलुक करना है एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू ग्लैंस थ्रू इट, मतलब दिमाग को ऐसे लगना चाहिए कि दैट टॉपिक आई नो, यू शुड नो समथिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। देन 31st को अगेन यू आर गोना गिव जीटी, प्लीज़ मैंने जीटीज इतनी कम कर दी है ना, क्योंकि लाइक या आई वॉन्ट टू कम्प्लीट, आई वॉन्ट यू गाइज टू यू नो गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड उसके बीच जीटी को एडजस्ट करना इज अ बिट ऑफ टास्क, बट जितना जीटी दिया उन दिनों को तो प्लीज़ स्किप मत करना। सो 31st को यू गिव जीटी एंड देन यू डू एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है, फिर दैट इज हाउ योर अक्टूबर इज गोना लुक लाइक। सो 21st till 31st दीज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, वेट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, 7, 8, 9, 9, ओके, सो या 9 सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए आपके पूरा, उनके पी वाई क्यूज, एम सी क्यूज एंड द थेरी पार्ट, जितना होता है उतना करो, ठीक है। तो ये 9 सब्जेक्ट्स आपके अक्टूबर में ख़त्म हो जाने चाहिए, दैट इज़ हाउ योर अक्टूबर इज़ गोन लुक लाइक। एंड वॉट इज़ द 7 to 8 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सो यू आर गोन वेक अप एट 7 o'clock, दैट इज़ वॉट आई सजेस्ट, आई यूज टू वेक अप एट 5:45 शार्प एंड देन 5:45 till 6 o'clock आई यूज टू डू ब्रश, ड्रिंक वाटर, गेट रेडी एंड देन 6 to 7 आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, लिसन टू म्यूजिक एंड देन शार्प 7 o'clock आई यूज टू सिट फॉर स्टडिंग, बट आई एम सेइंग वेक अप एट 7 o'clock, आई मीन एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे तो एटलीस्ट 7 तो मैनेज कर ही सकते हो, देन फास्ट फास्ट डू योर ब्रशिंग, गेट रेडी एंड व्हाट यू आर गोना डू, 30 मिनट एक्सरसाइज कर लो, पढ़ाई से पहले एक्सरसाइज कर लो, व्हाई, बिकॉज दैट विल पुट यू इनटू एक्शन ओरिएंटेड मोड, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, कि 1 hour ऑफ एक्सरसाइज बिफोर स्टडिंग वॉज अ गेम चेंज, दैट पुट्स यू इनटू डिसिप्लिन एंड दैट वॉज something that I used to do and I definitely am gonna insist you to at least minimum hai 30 minutes se kam mat karo yaar, 30 minute ho hi jana chahiye, okay, so now what your November is gonna look like, to morning session again it will be 8 to 12 and then afternoon will be 2 till 8 and then evening 9 to 12, so first November till 3rd November what are you gonna do, morning में आपको PYQ करने हैं किसके, PSM के, ठीक है, 3 दिन दे रही हूँ मैं PSM को, because last you know if you see the trend PSM के questions एकदम ऐसे झोली भर के आते हैं, so PYQ in the morning, afternoon में PSM का theory पढ़ो and then evening में आप MCQ solve करोगे, MCQ से मेरा मतलब है question bank,
okay, sorted. So first to 3rd November you are gonna complete all of your PSM. और अभी हमारे कितने subjects हो गए? 10 subjects, around 10 subjects we have finished by 3rd of November. Then 4th November को आपको क्या करना है? You can sleep, you can go outside, fancy dinner, talk to family, talk to your friends, exercise, listen to your favorite music, and you can also watch my videos. Okay. So basically what I mean is 4th November को have a good time. Yeah, because you have completed 10 subjects, so one day off, just don't do the things that I said to avoid. Don't go for movies, don't go for, you know, series, because that tends to stick, right? Okay, so have a good time on 4th November, you deserve it, you deserve that. And then 5th ko aapko GT dena hai, then GT ka analysis karna hai. So ab tak this is your third GT, okay, this is your third GT. Then 6 to 8, that is 6, 7, 8, 3 days आपको क्या करना है? मॉर्निंग में FMT कर लो, देन आफ्टरनून में पैथो, एंड देन इवनिंग में FMT एंड पैथो के मिक्स करके PYQ करने हैं. सो दैट इज़ हाउ योर दिस टिल 8th of November, दिस इज हाउ your day is gonna look like. So morning session, what I'm suggesting over here is thoda sa change kiya. 8 to 12 hota hai na usually hamara morning session, to yahan pe what I feel is 8 to 11 is enough for FMT, and 12 to 6 is you know, nice time for patho, and then 7 till 11 is your evening session. So ye wala thoda sa change from 6 to 8 November, theek hai. Then 9 to 10 what are you gonna do? 9 or 10, दो दिन दिए हैं, दो दिन में मैं कह रही हूँ, यू नो मैनी पीपल जस्ट हेट बाई केमिस्ट्री, दे हेट इट, आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, बट नाउ आई डोंट हेट बाई केमिस्ट्री. सो 9 to 10 दो दिन दिए है, बाकी कोई सब्जेक्ट का प्रश्न नहीं दिया, सिर्फ बाई केमिस्ट्री कर लो यार, सिर्फ बाई केमिस्ट्री. सो 9th को व्हाट आई सजेस्ट इज रादर देन रीडिंग थ्योरी, जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट सॉल्विंग MCQs, क्वेश्चन बैंक एंड PYQ, है ना? तो PYQ एंड MCQ कर लो 9 तारीख को, एंड देन 10 को पूरा बायोकेम का थ्योरी कर लो. यू नो व्हाई आई सेड कि PYQ पहले कर लो एंड थ्योरी बाद में कर लो? जस्ट बाय सॉल्विंग PYQ एंड MCQ बायोकेमिस्ट्री बिफोर रीडिंग द थ्योरी, लाइक यू नो रिवाइजिंग द थ्योरी, आई वुड से यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट कि व्हाट एरियाज यू शुड फोकस ऑन मोर. सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी अ अप्रोच. Now you need to start focusing more on PYQs, more on MCQs, more on questions, and then comes the theory. ठीक है, अभी वो टाइम आ चुका है, अभी वो समय आ चुका है. ओके, देन 11th टू 13th ऑफ नवंबर, सो 11, 12, 13. इन द मॉर्निंग व्हाट आर यू गोना डू? यू आर गोना डू योर ऑफ्था, एंड देन आफ्टरनून यू आर गोना डू ENT, एंड देन इवनिंग में ऑफ्था, ENT के PYQ, एंड देन 13 को MCQ. जब भी मैं MCQ कहती हूँ, आई मीन क्वेश्चन बैंक, ठीक है? ओके, सो 13th तक के हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू वुड हैव कंप्लीटेड बाय 13? तो यहाँ तक 10 हो गए, देन योर 11, 12, 13, 14, 15. ओके, यू शुड हैव कंप्लीटेड ओवर 15 सब्जेक्ट्स बाय 13th ऑफ नवंबर, ठीक है? देन 14 टू 16, सो 14, 15, 16, है ना? मॉर्निंग में आप करोगे डर्मा, एंड देन 16 को डर्मा के PYQs, एंड देन आफ्टरनून में माइक्रो, एंड देन 16 को फार्मा. देन इवनिंग में आप क्या करोगे? फिजियो, एंड देन फार्मा. सो देन 17 टू 20 क्या है? सो 14 टू 16 थोड़ा सा ऐसे, मतलब ओवरलुक, बट यू वुडंट कंप्लीट द होल सब्जेक्ट. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने MCQ एंड PYQ का टाइम नहीं दिया, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू थियरी फर्स्ट इसमें. एंड देन 17 टू 20 व्हाट यू कैन डू इज मॉर्निंग सेशन, यू कैन डू डर्मा के PYQ MCQ, माइक्रो के ऑन 18th, माइक्रो के MCQ PYQ, एंड ऑन 19th फार्मा के PYQ एंड MCQ, एंड देन आफ्टरनून में जो लिखा है वो करना है माइक्रो के, फिजियो के, फार्मा के, एंड देन इवनिंग में सिर्फ PYQ करने हैं. ओके, सो सॉर्टेड. सो दैट इज़ हाउ टिल 20th ऑफ नवंबर योर होल स्केड्यूल इज़ गोना लुक लाइक.
समझा क्या? आज का 20th अक्टूबर है, तो 21st अक्टूबर टिल 20th नवंबर व्हाट यू आर गोना डू इज यू आर गोना रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, ओके. देन सो यू माइट बी सेइंग कि इसमें मैंने मेडिसिन को टाइम नहीं दिया. वैसे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई डिडंट डू मेडिसिन एट ऑल. आई जस्ट what I did, I just did PYQs. So what you can do is take out like 1 hour from your break, या फिर you know, कहीं से भी 1 hour manage कर लो and just watch videos of question and answer के videos नहीं होते मारवा सर के, वो watch कर लो, या फिर PYQ solve कर लो, या फिर जो जो important topics है, मतलब you know कि ECG पे आने वाला है तो वो पढ़ लो, you know कि कौन सा है वो ऐसे वाला, वाओ आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, हाँ JVP पे आते हैं क्वेश्चंस, यू नो दैट. सो वो कर लो, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो 1 hour एवरी डे फॉर मेडिसिन. और अगर अभी तक मैनेज नहीं हो रहा है, यू नो, बिकॉज इट्स कट टू कट, आई अंडरस्टैंड, तो फिर आप मेडिसिन को टाइम दिया तो है मैंने, या नहीं, टाइम नहीं दिया क्योंकि मैंने खुद ने नहीं किया था, या बट आई हाईली सजेस्ट कि 1 hour पर डे इज़ बेटर, या फिर हाफ एन आवर तो मैनेज हो ही सकता है मेडिसिन को पर डे, है ना. डू दैट एंड देन फ्रॉम 20th नवंबर 2021 को, 20 एंड योर 21st नवंबर को आप क्या करोगे? सो डू सर्जरी, ऑर्थो एनेट, रेडियो. अभी मैंने सब कुछ कंबाइन क्यों किया? बिकॉज सर्जरी रेडियो तो मिलता जुलता ही है, एंड एनेट ऑर्थो मिलता जुलता है. सर्जरी एनेट भी रिलेटेबल है, यू नीड योर एनाटोमी टू बी स्ट्रॉन्गर, तभी आपका सर्जरी स्ट्रांग होगा, है ना. मतलब एक क्लासिकल कोरिलेशन है इन चारों सब्जेक्ट्स में. तो ये चारों सब्जेक्ट आपको ख़त्म करने हैं 2 दिन में. ख़त्म तो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, मतलब रिवाइज करना है उनके सारे, यू नो, इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करके रख लो टिल 20th of November. वट एवर यू प्रिपेयरिंग, जस्ट मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, एंड वो सब आपको रिवाइज करने हैं अभी 20th नवंबर से. सो 2021 यू आर गोना डू दीज 4 सब्जेक्ट्स, एंड देन 22nd को रिवाइज द होल ऑफ PSM, एंड ऑल्सो यू विल गिव GT. PSM जितना हो रहा है ना, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उतना कर लो, एंड GT दे दो. GT के साथ साथ एनालिसिस भी करो. अभी ये नहीं, अरे यार इतना सारा एक दिन में करना ही पड़ेगा यार, पास होना है, नहीं होना है, होना है ना, तो अभी जान झोंकनी पड़ेगी आपको. देन 23rd of November को क्या करना है? ऑफ था ENT साथ में, है ना, एक दिन 2 सब्जेक्ट आराम से होगा, बिकॉज अब टाइम योर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर सॉर्टेड, मतलब होने चाहिए सॉर्ट. तो फिर जस्ट रिवाइज करना, जस्ट गेजिंग थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ नॉट दैट हार्ड. तो 1 day ऑफ द ENT आराम से हो जाएगा, ठीक है. देन 24th को क्या करोगे आप? ऑब्स गाइनी पूरा कर लोगे, है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सारी इमेजेस, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो सब आप करोगे, एंड देन मीनवाइल ऑल्सो यू विल बी गिविंग GT एंड एनालिसिस. सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अरे यार सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ मैंने GT क्यों जोड़ी है? PSM, एक तो PSM सुन के आपको टेंशन आता है, एंड देन GT, एंड देन ऑब्स गाइनी, एंड देन GT, एंड देन एनालिसिस ऑल्सो. सो I just wanna give you guys a little bit of stress. You need to get used to the stress, क्योंकि बहुत सारा stress आता है exam के time. तो थोड़ा stress लो, थोड़ा you know difficult लगना चाहिए, and take it as a challenge and do it. 25th को PDA biochemistry कर लो, ठीक है. 26th को पैथो माइक्रो रिवाइज कर लो. देन 27th को डर्मा एंड FMT रिवाइज कर लो, है ना. 28th को हैव अ हॉलीडे फ्रॉम माय साइड. यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स माय बर्थडे एंड यू कैन विश मी ऑन माय बर्थडे. आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी. सो हैव गुड फूड, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, विश मी हैप्पी बर्थडे, रिलैक्स, ब्रीद, एंड यू आर गोना मेक इट. ट्रस्ट मी, यू आर गोना मेक इट. इफ यू आर पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, why would there be any reason that you won't make it? You definitely are going to make it. Okay, then 29 को आपको physio, anesthesia and radio का revision करना है. 30 को pharma and then GT. So that is how your 21st of October till 30th of November is going to look like. And then comes December. तो नाउ वी डोंट नो टेंटेटिव डेट. इट कैन बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, इट कैन बी इन सेकेंड, इट कैन बी जो. अगर डेट पता चलता है जल्द ही, सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन
दिसंबर टाइम पीरियड, वो जो लास्ट 15 दिन रहते हैं या फिर लास्ट 5 डेज 10 डेज, तब आपको क्या करना चाहिए उसका एक वीडियो बना दूंगी। तो अभी तक का 30 नवंबर तक का आपके पास ब्लूप्रिंट है ना। सो फॉर दिसंबर व्हाट वुड बी माय एडवाइस ऑन एन एवरेज, जनरलाइज करके अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि रिवाइज ओनली हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब जो कि PYQs है, जो कि PYTs है, वही रिवाइज करने हैं, ठीक है। एंड देन यू आर गोना मेक इट, जस्ट बिलीव दैट यू आर गोना मेक इट। दिस मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो अगर जी तोड़, तो आपके दिमाग में डाउट आता कैसे? और डाउट तभी आते हैं जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, जब आपके दिमाग में गिल्ट होते हैं, अरे यार ये मेरा आज का इतना था गोल था एंड मैंने नहीं किया, तो देन यू विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग। सो यू नीड टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड एंड थिंक अ लिटल लेस, जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट यू नो डूइंग थिंग्स, जस्ट डू इट, या ओके आई नो इट्स ईजी टू से बट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। Okay, so that's it, and best of luck. Keep grinding. Bye.